गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन क्लास 8। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रिक्शन एंड सम टाइम इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। व्हाट इज फ्रिक्शन और व्हाट इज ड्रैग? फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स व्हिच एग्जिस्ट्स बिटवीन टू सरफेस When body try to move respect to each other, अगर कोई दो body है वो आपस में contact में है, ठीक है, कोई दो body है आपस में क्या है, contact में है, तो वहां पर एक normal force लग रहा होगा contact में रहने की वजह से। लेकिन जब normal जो है वो friction में change हो जाएगा जब कोई body एक दूसरे के respect में move करने की कोशिश करेगा, ठीक है। friction यही कहलाता है कि जो जब दो body को surface में contact में है और उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है, समझना ध्यान से क्या है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन और मोशन में क्या होता है, जैसे देखो सपोज दोनों बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है फॉरवर्ड, तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, है ना, दोनों का स्पीड क्या इक्वल है और सेम डायरेक्शन है, तो देन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कब कहते हैं, जब इसका पोजिशन और इसका पोजिशन चेंज हो रहा होगा। जैसे सपोज आप रनिंग करते हैं, आप कोई रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक क्या होता है काफी फास्ट मूव करता है, तेजी से दौड़ता है, और एक क्या होता है स्लो मूव करता है, धीरे से मूव करता है, ठीक है। तो आप देखिएगा धीरे 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 इसका डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, है ना, ये आगे निकल जाएगा और ये क्या रह जाएगा, पीछे छूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, पीछे छूट जाएगा, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन स्लो वाई एंड फास्ट वाई। बट अगर दो बॉडी है और दोनों तेज ही दौड़ने वाला है तो क्या लगेगा कि दोनों तो एक साथ दौड़ रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता क्या चलेगा, दोनों क्या है एक साथ दौड़ रहा है। तो हम कहते हैं ना दोनों, जैसे दो गाड़ी है सेम स्पीड से जाएगा, तो दोनों में रिलेटिव मोशन रहेगा कि दोनों एक साथ मूव करेगा, एक ही साथ मूव करेगा, एक जैसा मूव करेगा, ठीक, ओके। So let's discuss what is friction. Okay. In friction, the condition of friction is that two body are in contact, and they try to move with respect to each other. Two body are in contact and they try move. Till. With respect to each other. Okay, this is the basic definition of friction. In this chapter, we learn about how friction is caused. ठीक है, हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन के डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह से लगता है, कैसे फ्रिक्शन है, क्या रीजन है जो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट इज सिंपली कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, इट इज सिंपली कॉल्ड मैकेनिज्म, यानी कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म रीजन है, क्या कॉज है, क्या फंक्शन है। मैकेनिज्म का मतलब फंक्शन और कॉज बिहाइंड द वर्क, ठीक है, इस वर्क के पीछे क्या फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन क्या कह रहा है, द फोर्स विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जैसे देखो ये है बॉडी अभी रेस्ट में, ये बॉडी क्या है रेस्ट में है, तो यहां पर ना ही मोशन हो रहा है और ना ही फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब क्या किए, इस बॉडी पर हम फोर्स लगा दिए और इसको हम कहें कि चलो अब बहुत तुम्हारा रेस्ट हो गया, बहुत हुआ आराम, अब करो काम, इसको हम फोर्स लगाए तो ये मोशन में आ जाएगा ना। लेकिन ये बॉडी इसके टच में था तो क्या कहे, कहाँ लेके जा रहा है, मेरा परमिशन के बिना, पहले जितना देर तक यहाँ रहा है उतना देर का पहले रेंट लेके जाओ। जैसे हम लोग कोई रूम में रहते हैं, किसी होटल में रहते हैं, तो खाना खाने के बाद बिल पेमेंट करते हैं कि ऐसे ही भाग जाते हैं, बिल पेमेंट करते हैं। तो अभी जब तक ये रेस्ट में था यानी कि इनके बीच में कॉन्टेक्ट था, इनके बीच में क्या था कॉन्टेक्ट, अब इस पर हम फोर्स लगा दिए तो ये जाने लगा। लेकिन ये बोलेगा नीचे वाला सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस या सेकंड सरफेस, ये बोलेगा कि ऐसे कैसे चले जाओगे, आपको पहले मेरे जो मेरे साथ रहे हैं उसका पहले पूरा हिसाब किताब क्लियर करिए। तो
तो क्या करेगा कि पहले ये अप्रोच करेगा सम फोर्स, जैसे अगर सपोज ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये 1 न्यूटन या 2 न्यूटन या 5 न्यूटन, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का नेचर है, किस तरह का सरफेस है। जैसे आप लोग अगर ढाबा में खाते हैं, ढाबा में आप लोग कभी ऐसा कभी खाना खाएं कोल्ड ड्रिंक पिए ढाबा में, कहीं दूर में गए गाड़ी साइड करके ढाबा में खाएं तो वहाँ खाना आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर खाना क्या होता है, महंगा होता है कि सस्ता होता है? महंगा महंगा होता है, ठीक है। तो कितना फोर्स हमको इसको देना है वो डिपेंड करता है उसका नेचर ऑफ सरफेस पर, नेचर ऑफ सरफेस पे, सरफेस पर, ठीक। तो क्या होता है कि जब दो बॉडी मूव करने लगता है तो उसको अपोज करता है, उस फोर्स को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस इन कॉन्टेक्ट। किस पर डिपेंड करता है? सरफेस इन कॉन्टेक्ट। So let's write the definition of friction. Then we are study about mechanism of friction. पहले सबसे पहले आपको क्या करिए, friction का definition लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे mechanism of friction. ठीक है, clear? Yes sir. Okay. नहीं अभी फिगर नहीं बनाना है, अभी हम आपको फिगर बताएंगे कौन सा फिगर बनाना है। Have you completed this? Yes, sir. Okay, very good. So let's study the mechanism of friction. देखिए अब थोड़ा सा हम इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। देखिए सपोज एक बॉडी है, एक बॉक्स है जिसका मास है एम, मास कितना है एम किलोग्राम, ठीक। अब इस बॉक्स पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, यस सर, यस, व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हिच इज कॉल्ड, यस सर, नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अप्रोच करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना? यस सर, ठीक है। क्यों लगा? क्योंकि बॉडी जो है ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसका मतलब टू फोर्सेस आर बैलेंस ईच अदर, टू फोर्सेस आर बैलेंस ईच अदर, बैलेंस ईच अदर। चलो वेरी गुड, फ्रिक्शन का रिएक्शन कैसे निकालना है वो समझना। अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं, इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन ड्यू टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ड्यू टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ये कहेगा कि ऐसे कैसे आप कैसे चले जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, पहले जितना देर तक यहाँ रहे हैं उसके लिए आपको अपना क्या करना होगा, बिल क्लियर करना होगा, हिसाब क्लियर करना होगा। तो हिसाब करने के पहले तक ये आगे बढ़ सकता है क्या? नो सर। ठीक, तो देखो हम फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट में, हम फोर्स लगा रहे हैं किधर, लेफ्ट में, लेफ्ट में। अब इसको लेफ्ट में जाने से रोक रहा है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स क्या लग रहा होगा, राइट में लग रहा, राइट में लग रहा होगा, ठीक है। क्यों लग रहा है,
क्योंकि पहले जितना देर तक यहाँ रहा है उसके लिए इसको हिसाब क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो हम फोर्स लगाए लेफ्ट में तो उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए, ठीक है, फोर्स लग रहा है लेफ्ट में तो अपोजिट फोर्स किधर लगेगा, राइट में। दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड, दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और वी कैन सिंपली कॉल फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, और वी कैन सिंपली कॉल्ड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। समझ में आया डायरेक्शन, समझ में आया, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में। अब समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बच्चे, आप लोग मिरर देखे, मिरर, यस सर। अच्छा, मिरर का सरफेस, मिरर, मिरर एक ग्लास से बनता है ना, ग्लास शीशा से बनता है ना, यस सर, यस सर। क्या लगता है, वो जो शीशा है, जो ग्लास है, उसका सरफेस स्मूथ होता है कि रफ होता है, क्या लगता है आपको? स्मूथ होता है, रफ होता है, हल्का रफ होता है। अच्छा, नहीं, स्मूथ होता है। अगर ग्लास की बात करें और हम दीवार की बात करें, वॉल की बात करें, वॉल सरफेस, तो कौन सरफेस स्मूथ है, कौन सरफेस रफ है? ग्लास स्मूथ है, वॉल स्मूथ और वॉल मिरर रफ। वेरी गुड, सो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट ग्लास इज मोर स्मूथ देन वॉल सरफेस, है ना, वॉल। बट एक्चुअली यस सर, ग्लास सीम्स टू बी अ स्मूथ, ग्लास सीम्स टू बी अ स्मूथ, ठीक है, हमारे लिए ग्लास स्मूथ है, याद रखना। हमारा किसी भी चीज को देखने का और महसूस करने का एक लिमिट है। क्या हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं, बोलो? नो सर, नहीं देख सकते हैं। कैन बी सी प्लैनेट लाइक जुपिटर सैटर्न क्लियरली? नो सर, कैन बी सी हिमालय फ्रॉम आवर सिटी? नो सर। ठीक, तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का कुछ लिमिट है, हम लोग छोटे छोटे चीज को भी नहीं देख सकते हैं और बड़े चीज को भी नहीं देख सकते हैं अगर वो काफी दूर पर है, अगर वो काफी क्या है, तो मिरर को हमारे लिए, मिरर जो है हमारे लिए कैसा सरफेस है, स्मूथ है। क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर जो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होता है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता, नहीं देता। बट वाल के ऊपर, वाल सरफेस पर जो इरेगुलरिटीज यानी रफनेस जो प्रेजेंट होता है, क्या वो दिखाई देता है? यस सर, यस सर, यस सर। सो आई वांट टू से दैट एवरीबॉडी और एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम इरेगुलरिटी, एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम इरेगुलरिटीज, irregularities किसको कहते हैं? Hills and roofs को किसको कहते हैं? Hills and roofs, ठीक है। जैसे आपका घर में कॉम होगा, आपके घर में क्या होगा? कॉम है ना, कॉम है ना, कॉम। तो देखिएगा, एक सरफेस इसमें तीथ बना हुआ रहता है, तीथ बना हुआ था ना, एक तीथ और दो तीथ के बीच में खाली स्थान रहता है क्या? Yes, दो तीथ के बीच में खाली स्थान रहता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं इरेगुलरिटीज, कहीं पर उठा हुआ है और कहीं पर धसा हुआ। द सरफेस विच सीम्स टू बी अ स्मूथ बट एक्चुअली It is not as much as smooth as its appear. ठीक है, कोई भी सरफेस आपको देखने में प्लेन लग रहा है बट उस सरफेस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, किसको देखेंगे? माइक्रोस्कोप से तो
तो उसमें भी क्या होगा? There are some hills and groups or ridge and depression. ठीक है, चलो तो इसी को हम लोग डिफाइन किए. रफनेस क्या होता है समझना. रफनेस ऑफ द सर्फेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड ग्रुप्स ऑन इट. इवन वेरी स्मूथ सर्फेस, वेरी स्मूथ सर्फेस हम लोग कंसिडर करते हैं मिरर को, है ना. मिरर को या ग्लास को क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? यस सर, वेरी स्मूथ सर्फेस. इवन वेरी स्मूथ सर्फेस ऑफ बर्ड इज ऑल्सो हैव सम Hills and groups. अभी आपको ये लग रहा होगा, ये जो येलो है, येलो सरफेस है और ये जो ब्लू सरफेस है, ये आपको लग रहा ना दोनों प्लेन बॉडी है? After seeing microscopic view, microscopic view का मतलब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? तो क्या दिख रहा है? इनमें हिल्स एंड ग्रुप्स है. इसमें क्या है? हिल्स एंड ग्रुप्स. अब होता क्या है कि एक बॉडी को हम अगर इसको पर मूव कराने की कोशिश करें, क्या कराने की कोशिश करें? मूव. तो इसका हिल्स और ग्रुप एक दूसरे से टैकल करेगा कि नहीं करेगा? टैकल मतलब भिड़ना. टैकल मतलब भिड़ना. यस सर, एक दूसरे से टैकल करेगा. तो यानी एक तरह का एक अपोजिशन लगेगा कि एक तरह का सपोजिशन होगा टैकल करने से. जैसे अगर आप जैसे आप क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं किसी भी किसी सरफेस में या किसी पार्क में दौड़ रहे हैं और बहुत सारा चीज वहां पर गिरा हुआ है या बहुत सारे लोग वहां पर सामने आ जाते हैं, तो आपका स्पीड कमेगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा? कमेगा. जैसे सपोज आप एक कॉम लीजिए और इसके ऊपर दूसरा कॉम को रख दीजिए और एक दूसरे को रिलेटिव मोशन दीजिए, मूव कराइए एक दूसरे पर, तो क्या लगता है इनके बीच में कुछ टैकलमेंट होगा, टैकल होगा या फिर स्मूथली एक दूसरे पर मूव करेगा? टैकल होगा सर. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग. किसका इंटरलॉकिंग हो रहा है? हिल्स एंड ग्रुप्स का. इंटरलॉकिंग ऑफ, वी कैन से दैट इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities. तो सिंपल सा एक लाइन में बोलिए, फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज. बोलिए. फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज. सबको थ्री टाइम्स बोलना है. Friction is due to interlocking of irregularities. Friction is due to interlocking of irregularities. Sure, very good. देखिए, अब हम लोग discuss कर रहे हैं फिर mechanism of friction. जो आपको समझाएं फिर से भाई. देखो क्या बोल रहा है. Friction is caused by the irregularities in the two surfaces in कॉन्टेक्ट. फ्रिक्शन तभी होता है जब क्या होता है, एक सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है और उसी तरह से दूसरे सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सारे सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होता है. क्यों होता है समझना. एज वी नो दैट एटम्स आर ए काइंड ऑफ स्फेरिकल, है ना. यस या नो? Yes, sir. अब हम सपोज एक सरफेस में या एक बॉक्स में स्फेरिकल बॉल रख दें, स्फेरिकल बॉल रख दें, तो क्या ये प्लेन सरफेस बनाएगा कि देयर आर सम वॉइड्स, खाली जगह बचता है?
खाली जगह बचता है, खाली जगह बचेगा जहाँ पर स्फीयर है वहां पर उठा हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या है उठा हुआ है जहाँ पर स्फीयर है, और जहाँ पर स्फीयर के बीच में जो पॉइंट बचा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। क्या बोलते हैं उसको? वॉइड। वॉइड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द एटम देयर मस्ट बी ऑलवेज सम इरेगुलरिटी, देयर मस्ट बी ऑलवेज सम इरेगुलरिटीज। समझना, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अब इरेगुलरिटीज का क्या होता है तो समझना, दीज इन इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इन टू वन अनदर। कब? जब इसको हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में कर दें। इसको क्या करने एक दूसरे के कॉन्टेक्ट, तो सिर्फ कॉन्टेक्ट करने से, सिर्फ कॉन्टेक्ट करने से क्या फ्रिक्शन लगता है? नो सर, नो सर। तो क्या करना होगा? मूव करवाना होगा, मूव करवाना होगा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। दीज इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, लॉक इनटू वन अनदर यानी कि इंटरलॉकिंग। कब? When we try to move one surface over, try move one surface over another, ठीक है? Another. जैसे जो येलो सरफेस है इसको क्या करेंगे हम? येलो सरफेस को है अगर हम इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो क्या इंटरलॉकिंग होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा सर। एंड दिस इंटरलॉकिंग एक दूसरे से जो भिड़ता है टैकल होता है, टैकल का मतलब टक्कर होता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन का कॉज। यही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन, सर, फ्रिक्शन का कॉज, फ्रिक्शन कॉज। आई होप यू गेट ऑल थिंग्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, यस और नो? रफनेस ऑफ द सर्फेस एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर और भी हम एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे। So tell me, do you know about your syllabus of term 1 or unit test 1? Yes, sir. Very good. Which chapter are coming? Force and pressure. Force and pressure. Complete. Okay, very good. Now, you have to draw a figure in every topic. One figure आपको हर एक टॉपिक में क्या करना है? ड्रा करना है। सर नीचे करें। थोड़ा सा ऊपर वाला लिखना। ओके ओके। Okay, sir, first of all, tell me, what do you think? Friction is important or disadvantage for us? क्या लगता है आपको? Friction हमारे लिए बेकार है कि अच्छा है?
बहुत इंपॉर्टेंट है करवाने में. बोथ 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 है. नो सर. फ्रिक्शन को किसको फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं नेसेसरी इविल. क्या बोलते हैं इविल या फिर डेविल? दोनों एक होता है. इविल और डेविल. इविल और डेविल का मतलब समझते हैं क्या होता है? डेमन. इविल और डेविल का मतलब होता है दानव या फिर दैत्य या फिर राक्षस, है ना? यानी कि जो खराब चीज होता है. यस सर. हैविंग बैड टेंपर्ड पीपल और पर्सन, ठीक है, उसको बोलते हैं एविल और डेविल. नेसेसरी. नेसेसरी का मतलब जरूरी. जरूरी यानी कि एक ऐसा राक्षस है जो हमारे लिए जरूरी है. एक अच्छा राक्षस है जो हमारे लिए क्या है? जरूरी है. सो आई वांट टू से सम होमवर्क. आई वांट टू गिव यू सम होमवर्क दैट यू हैव टू राइट सम पैराग्राफ अबाउट व्हाई फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड एज नेसेसरी इविल. व्हाई फ्रिक्शन इज Considered as necessary. तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन का सम एडवांटेज को लिखना है. एंड देन यू हैव टू राइट सम डिसएडवांटेज. इट क्लियर? बन जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस सर. Note down the question. Why Fixon is considered as what? Necessary evil. You are able to define this question? Yes, sir. Very good. Okay. So today we discuss, what we discuss? Mechanism of friction. Kya discuss kiye hain? तो आपको बताना होगा कि सरफेस कैसा होता है. सरफेस में हिल्स और ग्रुप्स होता है. हिल्स और ग्रुप्स एक दूसरे से अटैच हो जाता है. उनके बीच में एक टेकल होता है. जब मूव करवाते हैं तो इंटरलॉकिंग होता है. ये डायग्राम बना करके सबको एक्सप्लेन करना होगा 3 मार्क्स में. और 1 मार्क्स में क्या करना होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. And that's all from my side. Thank you and have a nice day. Have a nice day. Have a nice day.